यही वो बस है, आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, वही यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे दो आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया। दर्शन करके जैसे हम वहां से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना सा ऐसा फटाके फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जे एन के पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब इंसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार दिखा हो ऐसा कोई शक? ना कोई नहीं मिली, कोई नहीं ना कोई नहीं, कोई नहीं देखा, नहीं मिला, कोई लभ्या नहीं गया। पहला चांस हो जाए, पहले चांस हुए, पहला चांस हुआ। जम्मू कश्मीर के रियास में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी की गई। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इस खबर पर बात करना जरूरी है क्योंकि वही सरकार है, ये वही भारत है, घर में घुसकर मारने वाला भारत जो इस बार भी हर गोली का हिसाब लेगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आतंकियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया। दरअसल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस को आतंकियों ने टारगेट किया। आतंकियों ने ड्राइवर को निशाना बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ड्राइवर को गोली मारने में वो सफल रहे तो बस खुद ब खुद हादसे का शिकार हो जाएगी। ठीक वही हुआ, घात लगाए बैठे आतंकियों ने 30 से 40 राउंड फायर किए। ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस बेकाबू हो गई और बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी? कौन थे आतंकियों के मददगार? कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशतगर? जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे दो आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है
और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांभा बॉर्डर के जरिए लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया एजेंसियों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने लोकल आतंकवादी नेटवर्क PAFF और TRF के आतंकवादियों से मदद लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांबा बॉर्डर के जरिए 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और TRF के आतंकियों से सहायता लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। आप माता जी, आप आज भी गए थे क्या जंगल में? आज भी गए थे। आज तो कल भी गए थे आप? कल भी गए थे, लकड़ी काटने के लिए गए, निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे ले गए थे। अच्छा, अब रूटीन में जाते हो? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कोई अजीब इंसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार दिखा हो, ऐसा कोई शक? ना, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ना, कोई नहीं, कोई नहीं देखा, नहीं मिला, कोई लभ्या नहीं गए। पहला चांस हो जाए। पहले चांस हुआ? पहला चांस हुआ। क्या लगता है आपको, ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है? ये पहली बार हमला हुआ है। देखो, ये घटना पहली बार है। हमारा जो गांव है पूरा पूरा गड़बड़ा गया है। ये क्या हादसा हुआ हमारे साथ कि ऐसा है? जो पुलिस कर्मचारी है हमारे, वो इनको ढूंढे, जबरदस्ती ढूंढे। हम खुद इनके साथ हमला करेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे। पुलिस के साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। और चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यह हमला कब, कहां पर और कैसे हुआ, जिसमें 10 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। रियासी जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ रविवार की शाम 6:15 पर। टारगेट पर कौन था वो भी आपको बताते हैं। तीर्थयात्रियों से भरी हुई एक बस टारगेट पर थी। नुकसान जो हुआ है, 10 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें कई लोग यूपी के भी हैं। हमला करने वाले आतंकियों का सरगना कौन है वो भी आपको बताते हैं। लश्करे तैबा इसका सरगना बताया जा रहा है। बीते 10 सालों में सिविलियन पर हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले को हर एक एंगल से खंगाल रही हैं। पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पैदल कॉम्बिंग के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा जा रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उन कायरों को पकड़कर हिसाब बराबर किया जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया। और दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर कि NIA जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी। खबर यह भी है कि NIA के SP स्तर के अधिकारी की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के पास आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें वो सफेद बस साफ नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी। अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का, जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 की ये फुटेज है, जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि यो जो बस है वो शिव खोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें, यही वो बस है। आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, वही यही
वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहां पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी, जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गई, जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके, उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आतंकियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया, बस कहां से कहां जा रही थी और कैसे इतनी बड़ी वारदात हुई। दरअसल शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे तब ये हमला हुआ। कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की और घात लगाए बैठे आतंकियों ने 30 से 40 राउंड फायर किए। ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस बेकाबू हो गई और बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान, लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम, ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिए में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जाँच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये इलाका जो है वो रणसू कंडा का इलाका है जहाँ पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है।